एक प्रॉब्लम जो आम तौर पर हमारे स्टूडेंट की तरफ से बयान की जाती है कि पढ़ने को जी नहीं चाहता। आल्दो हमारी ये अकल कह रही होती है कि पढ़ना चाहिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, दिली तौर पर हम इसको एक्सेप्ट तो कर रहे होते हैं, लेकिन पढ़ने को जी नहीं चाहता, किताब खोलने को दिल नहीं करता। और बाज़ अवक़ात इसी तरह की प्रॉब्लम हमें बाज़ दूसरे मामलात में भी दरपेश होती है। हम रोज़ाना ये इरादा करते हैं कि सुबह वाक के लिए जाएंगे, लेकिन उठने को जी नहीं चाहता, या नमाज का इरादा बनाते हैं और उसके बाद पढ़ने को जी नहीं चाहता। स्टूडेंट एक चीज़ जहन में रखें, ये जो हमारा माइंड है ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हम माइंड को जो मैसेज देते हैं, दिमाग को जो मैसेज देते हैं, वो उसी के मुताबिक हमारी बॉडी को ढाल देता है। साइंस ये तजर्बा कर चुकी है कि एक बंदे को हिप्नोटाइज करके उसको मिर्च खिलाई गई और उसको सलांटी का जायका महसूस हुआ। तो ये जो हमारी पूरी बॉडी है इसको माइंड कंट्रोल कर रहा है। जब हम माइंड को ये मैसेज देते हैं कि स्कूल का बहुत सा काम मिला हुआ है, 6 से 7 या 8 बुकें हैं उनका काम है, तो माइंड को एक ये मैसेज जाता है कि एक बहुत डिफ़िकल्ट 2 से 3 घंटे का काम है। तो जी को, बॉडी को वो उसी मुताबिक डाल लेता है। उसके बाद बॉडी जो है लेज़ी हो जाती है, वो कहती है यार इतना ज़्यादा वर्क मैं कैसे करूँगा, यह एग्ज़ाम करीब है। तो हम माइंड को ये मैसेज देते हैं भाई 6 की 6 बुकें बाकी हैं, किस तरह इसकी तैयारी होगी। जिस तरह माइंड को मैसेज दिया उसने उसको मज़ीद बढ़ा दिया, मज़ीद जूम कर दिया, और बॉडी को भी वो उसी के मुताबिक डाल देता है। उसके बाद हमारा जी नहीं चाहता कि यार इतना ज़्यादा सिलेबस पढ़ा है, क्या करें, कैसे पढ़ें, किताब खोलने को जी नहीं चाहता। इसी तरह जिस तरह हम वाक का इरादा बनाते हैं तो जहन में आता है यार कहाँ घंटे की वाक, जी नहीं चाहता उठने को। अगर हम माइंड को ये मैसेज दें कि मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए पढ़ूंगा, ये इरादा बनाकर हम किताब को खोलें, तो ये साइंस बताती है कि जब किसी चीज़ में आपका फोकस डिवेल्प हो जाता है, आप किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट भी डिवेल्प हो जाता है। फर्ज कर लो आपने माइंड को ये मैसेज दिया कि मैं 10 मिनट के लिए पढ़ूंगा, आपने किताब खोली, जैसे आप पढ़ने लगे तो 10 मिनट के बाद अगर कोई आदमी आपको कहे कि स्टडी को छोड़ दो, पढ़ाई को छोड़ दो, तो आपका जी नहीं चाहेगा। इसी तरह आपने वाक के लिए इरादा बनाया, माइंड को ये मैसेज दिया कि मैं 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए वाक के लिए ये निकलूँगा, और आप 5 या 10 मिनट के लिए निकले, और उसके बाद कोई अगर आपको कहे भी कि आओ वापस चले, तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसकी बात को, अब वापस जाने के लिए रेडी नहीं होंगे। क्यों? कि उस चीज़ पे आपका फोकस डिवेल्प हुआ, जब फोकस हुआ तो उससे इंटरेस्ट भी डिवेल्प हो गया। इसी तरह नमाज का है सिलसिला। एक हजरत साहब कहीं तबलीग करने गए तो किसी ने बताया कि यहाँ के लोग उस वक़्त तक नमाज नहीं पढ़ेंगे जब तक यहाँ का जो वडेरा है, चौधरी है, वो नमाज के लिए नहीं आता। वो उसके पास चले गए तबलीग के लिए, उसे कहा नमाज का, उसने कहा भाई नमाज तो पढ़ लूँगा लेकिन वुज़ू नहीं कर सकता। हालांकि बग़ैर वुज़ू के नमाज पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह है। वो बुज़ुर्ग बड़े अच्छी तरह समझते थे इंसान की साइकी को। उसने कहा ठीक है आप नमाज पढ़ लें, वुज़ू नहीं करना तो ना करें, लेकिन नमाज लाजमी पढ़े। वो चौधरी साहब मस्जिद में आए, जब मस्जिद में आया उसने कहा इतना तकल्लफ़ करके मस्जिद में आया और आगे नमाज भी पढ़नी है तो क्यों ना वुज़ू कर लिया जाए। तो वुज़ू कर गए, नमाज पढ़ने लगे। तो ये चीज़ होती है कि जब किसी चीज़ पे आपका फोकस होता है, आप फोकस उस पे करते हैं तो उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट डिवेल्प हो जाता है। फिर किसी काम को आप रेगुलर या बार बार करते हैं, वो चीज़ आपके अंदर एक ऐसी दिलचस्पी पैदा कर देती है, फिर वो काम करने में मज़ा आता है। मैं हूँ या मेरे बहुत से दोस्त हैं, हम आम तौर पर ईद में भी पढ़ रहे होते हैं। क्यों? हमें पढ़ पढ़ के पढ़ाई के अंदर ऐसी दिलचस्पी पैदा हो चुकी है, अभी वो काम करना हमें अच्छा लगता है। कोई भी काम आप 40 दिन करते हैं तो उसके अंदर आपका इंटरेस्ट डिवेल्प होना शुरू हो जाता है। 4 माह के बाद वो आपकी हैबिट बन जाती है, फिर उसके बाद आपको वो काम करने में मज़ा आता है। जैसे स्टडी की मिसाल है, शुरू में हम कोई लाइक स्टूडेंट नहीं थे, पढ़ाई को पसंद नहीं करते थे, शौकीन नहीं थे, लेकिन क्या हुआ जब उसमें आपका इंटरेस्ट डिवेल्प हो गया, एक बार फोकस डिवेल्प हो गया, एक बार आप वो काम करने लगे, अब वो काम करने में मज़ा आता है। ईद के दिन
बाज़ औक़ात कहीं सैर व तफरी की बनिस्बत स्टडी को तरजीह देते हैं, पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। इंसान जो है बेसिकली वो सीखने का ख्वाहिशमंद है। जिस तरह इंसान के अंदर खाने पीने इन चीज़ों की भूख होती है, इसी तरह इंसान के अंदर ये भूख होती है, ये ख्वाहिश होती है, ये क्रेज़ होता है कि वो नई नई चीज़ों को सीखे, वो लर्न करे, वो जाने। लेकिन क्या होता है, बाज़ औक़ात हमारे बुरे तजर्बात, टीचरों की तरफ से बेजा सख्ती, वालदेन की जगह से तरफ से बेजा सख्ती, या इन्वायरमेंट ऐसा हमें मुहैया किया जाता है, सख्ती ऐसी की जाती है कि हमें पढ़ाई से एक नफ़रत पैदा हो जाती है, पढ़ाई से जी उठ जाता है, पढ़ाई को जी नहीं चाह रहा होता। हालांकि फितरत अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर नई चीज़ सीखने की ख्वाहिश रखी है। यही वजह है कि हम नई नई जगहों की सैर की ख्वाहिश करते हैं। एक जगह हुआ है तो दोबारा वहाँ जाने को जी नहीं चाहता, नई जगह जाना चाहते हैं, नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कोई भी जगह है, जिस तरह नरान का गान है, अगर किसी शख्स को वहाँ का एक बुरा तजर्बा हो जाए, जिस तरह एक दोस्त बता रहे थे, गए और उनका सफ़र अच्छा ना रहा, गाड़ी ख़राब हो गई, रस्ते में चंद एक मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो अब उस शख्स को दोबारा कहा जाए कि नरान का गान जाओ, तो वह जाने के लिए तैयार नहीं। हालाँकि बहुत से लोग वहाँ जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन क्या हुआ कि वो फितरतन जो ख्वाहिश थी सैर करने की, देखने की, बुरे तजर्बे की वजह से उससे नफ़रत पैदा हो गई। तो इसी तरह स्टडी हमारा जो है फितरतन ये ख्वाहिश है, दिलचस्पी इंसान के अंदर होती है, लेकिन बुरे तजर्बात उसके अंदर हमारे अंदर नफ़रत पैदा कर देते हैं। अगर हम अपने माइंड को चेंज कर लें, अपनी साइकी को चेंज कर लें, तो ये जो स्टडी का सफ़र है हमारा, ये बहुत दिलचस्प बन जाए। एक मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। हमारा एक ट्रिप गया मरी, हमने पूरा रास्ता बहुत इंजॉय किया, स्टूडेंट ने भी इंजॉय किया, लेकिन जो हमारे साथ ड्राइवर था उसके लिए ये सारा रास्ता बोरिंग था। वहाँ पहुँचने के बाद भी हमने बड़ा लुत्फ़अंदोज़ हुए, बड़ा इंजॉय किया, मुख्तलिफ़ जगहों की सैर की, लेकिन ड्राइवर वो अपनी गाड़ी में बैठा रहा, हमारे साथ जाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। और जब हम वापस आए बहुत फ्रेश थे, हर एक को बता रहे थे कि ये चीज़ देखी, खुशी के तासरात थे, लेकिन ड्राइवर जो जिसने हमसे कम वॉक की, हमसे कम चला, कम एफर्ट की, इसके बावजूद वो बहुत थका हुआ था, बोर था। एक बार हम दोबारा गए तो जो ड्राइवर था वो भी हमारे साथ उसी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था, जहाँ जहाँ हम सैर के लिए जाते वो भी जाता। तो जब हम वापस आए तो ड्राइवर भी उसी तरह फ्रेश था जिस तरह हम फ्रेश थे। तो क्या फ़र्क था दोनों ड्राइवरों में? एक ने सोच को बदला, उसने कहा कि यार ये बड़ा बोरिंग सफ़र है, इतना दूर मरी का सफ़र है और रात को कहीं 12-1 बजे वापसी है। सोच को बदला तो सारा सफ़र उसके लिए मुसीबत बन गया। पैसे तो दोनों को मिले, लेकिन एक ने सोच को बदला, उसको मुसीबत समझा, उसके लिए वही सफ़र मुसीबत बन गया। दूसरे ने कहा कि भाई जाना तो है ही है, काम तो करना है, लेकिन उसने इस सफ़र को कहा कि यार ये एक पिकनिक का, एक इंजॉयमेंट का एक ज़रिया है, सोर्स है, इसको इंजॉय किया जाए, एक मुफ्त का मौका है, तो उसके लिए वही सफ़र एक पुरलुत्फ बन गया। तो इसी तरह अगर हम अपनी साइकी को, अपने माइंड को चेंज कर लें, इस स्टडी को हम इसके अंदर इंटरेस्ट लेने लग जाएँ, दिलचस्पी से करने लग जाएँ, तो यही स्टडी हमारे लिए एक इंजॉय का एक पुरलुत्फ ज़रिया बन जाएगा। देखो डिग्री तो हमें मिलनी ही मिलनी है, अगर हम इस तालीमी सफ़र को सोच बदल कर, इंटरेस्ट लेकर करेंगे, तो यही जो डिग्री है, डिग्री तो मिलेगी लेकिन साथ साथ ये जो सफ़र है ये हमारे लिए दिलचस्प बन जाएगा उस दूसरे ड्राइवर की तरह। लेकिन अगर हम इस स्टडी को दिमाग पे सवार कर लेंगे, इसको मुसीबत बना लेंगे, तो क्या है, करना तो फिर भी पड़ेगा। अगर हम कामयाबी चाहते हैं, एक्सेल करना चाहते हैं, डिग्री हासिल करना चाहते हैं, तो स्टडी तो फिर भी करना पड़ेगी। एक तो उसके अंदर निखार नहीं आएगा, वो स्टडी भी इतनी अच्छी नहीं होगी, डिग्री जो मिलेगी वो भी उस लेवल की नहीं मिलेगी, और दूसरा क्या होगा, सारा सफ़र भी हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। लेकिन अगर हम अपनी साइकी को चेंज कर लें, अपने माइंड को चेंज कर लें, इसी तलीमी सफ़र को हम एक सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट बना लें कि यार ये मैंने मकसद भी हासिल करना है और मैं नई नई चीज़ों को सीखूँगा। फिर स्टूडेंट
अगर ज़िंदगी में हमारा कोई गोल होगा, कोई टारगेट होगा, तो हमारे लिए ये जो स्टडी का सफ़र है, ये जो पढ़ाई है, बहुत दिलचस्प हो जाएगी। जिस तरह किसी आदमी को कहा जाए कि आपको 10 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा तो आपको 50,000 रुपया मिलेगा, तो वो इतनी खुशी से जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा 10 किलोमीटर का। वैसे अगर उसको कहा जाए 1 किलोमीटर पैदल चलना है तो वो रेडी नहीं होगा, वही मैं थक गया हूँ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं चल सकता। लेकिन जब गोल ब्राइट हो, गोल खूबसूरत हो, तो वो सफ़र की परवाह ही नहीं होती, वो सफ़र अच्छा लगता है और उसकी कोई डिफ़िकल्टी नहीं लगती, कोई मुसीबत नहीं महसूस होती। तो इसी तरह अगर हमारा गोल अच्छा होगा, हमने कोई टारगेट बनाया होगा कि भाई मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, इस स्टेटस पे पहुँचना चाहता हूँ, वो लोग जो मुझे आज सलाम करके राज़ी नहीं, कल वो मेरे टाइम लेने की ख्वाहिश करेंगे, अगर ये गोल आपके सामने क्लियर है तो फिर क्या होगा, वो स्टडी, वो जो पढ़ना, वो मसाइब आपके लिए बड़े दिलचस्प लगेंगे, वो आपके अंदर बोरिंग नहीं पैदा करेंगे, आपके अंदर उकताहट नहीं पैदा करेंगे। कोशिश करें अपना एक टारगेट बनाएं और उसको लिख लें और हमेशा उसको पास रखें। जब भी आपके अंदर कहीं स्टडी से या पढ़ने से दिल उकताए, जीना चाहे, तो उसको रीड करें, अपने टारगेट को जहन में रिपीट करें, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर एक क्रेज़, एक दिलचस्पी पैदा हो जाएगी। हम लोगों का एक अलमिया है, हम चाहते हैं हमें फ़ौरन रिज़ल्ट मिले, फ़ौरन रिवार्ड मिले, लेकिन हम ये नहीं सोचते वो चीज़ें जिनका रिवार्ड फ़ौरन मिलता है, जल्द मिलता है, उनकी अफादियत भी कम होती है। गोभी है, जल्द तैयार हो जाती है, लेकिन अफादियत बहुत थोड़ी होती है, थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल किया फिर ख़त्म हो गई। लेकिन दरख्त है, उसको बनने में वक्त लगता है, फिर वो एक अरसा साया देता है। इसी तरह अगर हमारा कोई बड़ा टारगेट होगा, आगे का टारगेट होगा, तो क्या होगा, उसमें स्ट्रगल तो कुछ ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उसका जो रिवार्ड होगा वो भी बहुत बड़ा होगा, फिर वो एक तवील अरसे के लिए होगा। अगर हमें ये कहा जाए कि 10,000 रुपया मिलेगा, ये काम कर लो, इतना पैदल चल लो, तो फौरन रिवार्ड नज़र आ रहा होता है, हम रेडी हो जाते हैं। लेकिन वो गोल जो थोड़ा सा डिस्टेंस पे होता है, जिसके लिए कुछ एफर्ट करना पड़ती है, उसके लिए हम रेडी नहीं होते। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि हमारा स्टडी में, पढ़ाई में जी नहीं लगता। तो हमें अपना गोल, उसको मजबूती से थामना होगा, उसके अंदर अपना एक आज़म बनाना होगा कि ये गोल, ये टारगेट हमने अचीव करना है। यकीनन ये वीडियो स्टडी में इंटरेस्ट डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। वीडियो सुनने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।